आपको एबीपीएस न्यूज टीम के साथ जनपद अमरोहा के ब्लॉक जोया में स्थित ग्राम लोधीपुरा बंजारा में लेकर चलते हैं। लगभग 1500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में गांव के प्रधान नरेश कुमार हैं, जिन्होंने गांव में बेहतर तरीके से विकास कार्य कराए हैं। प्रधान ने सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए गांव में शौचालयों का निर्माण करवाया है, साथ ही साथ पात्रों को वितरण भी किया जा चुका है। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला में लगभग 42 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। बात अगर विकास कार्यों की करें तो गांव में सीसी टाइल्स रोड का निर्माण, स्कूल में मरम्मत कार्य, खड़ंजा निर्माण का कार्य भी कराया गया है। पेयजल व्यवस्था दुरुस्त कराने के उद्देश्य से गांव में 20 हैंडपंप भी लगवाए गए हैं तथा 4 और हैंडपंप की सरकार से मांग है। वहीं बात अगर विद्युत व्यवस्था की करें तो गांव में 50 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व 25 सोलर लाइट वर्तमान प्रधान द्वारा लगवाई जा चुकी है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए 300 मीटर नाला, स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट का रोड, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30 आवास केंद्र व राज्य सरकार से मांगे हैं। मेरे ग्राम पंचायत लोधीपुर बंजारा विकास खंड जोया जिला अमरोहा, मेरे ग्राम पंचायत में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। सबसे पहले तो 4 महीने में ब्लॉक में बीडीओ के ना होने की वजह से कोई कार्य समय पर नहीं हो पा रहा, काफ़ी दिक्कत हो रही है तथा मैं अखिल भारतीय प्रधान संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, सदस्य हूँ उसमें, और मेरे गांव की रास्तों की समस्या, नल की आवश्यकता है 4 की, प्राइमरी स्कूल में भी नल नहीं है और आवास एक भी नहीं मिला अभी तक, और गांव की गरीब जनता की हालत ऐसी है कि लोग बड़ी मुश्किल से झोंपड़ियों में गुजारा कर रहे हैं। उधर तालाब की भी और ग्राम समाज पर सारे अवैध कब्जे हैं दबंग लोगों के, इसलिए गांव की समस्याएं तो बहुत हैं अनेक। स्कूल में नल की बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता है, प्राइमरी में रास्तों की हालत इतनी ख़राब है कि बहुत पहले के ही 50 साल 40 साल पुराने ही खड़ंजे हैं, वो वैसे ही पड़े हैं, कीचड़ में लोग पार करते हैं बारिश के समय में, और आवास ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि कुछ लोगों की तो हालत इतनी गरीबी हालत है कि वो अपनी झोंपड़ियों में गुजारा करते हैं, बरसात में उनकी बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। कोशिश करने पर भी अभी मेरे गांव को कुछ एक भी आवास प्राप्त नहीं हुआ है। मेन समस्या 4 महीने का बहुत लंबा समय होता है, वीडियो के ना होने से कितनी परेशानियाँ प्रधानों को उठानी पड़ रही हैं। हमने इसकी शिकायत CDO साहब से, DPO साहब से सबसे की, लेकिन आज तक हमारे ब्लॉक में कोई भी वीडियो नहीं है। अगर 4 महीने की छुट्टी है तो कोई तो अल्टरनेट वीडियो का सरकार को करना चाहिए। और रास्ते उधर से गांव के निकास के पानी के लिए नाले की आवश्यकता है बहुत ज़रूरत, लेकिन नाला भी नहीं बन पा रहा क्योंकि इतनी निधि नहीं सरकार उपलब्ध करा पा रही है जिससे काम कराएं, क्योंकि इस पूरे वर्ष की निधि में केवल स्कूल में काम हो पाया है प्राइमरी। तो नालों की बहुत ज़रूरत है जो बरसात के समय में पानी निकासी के लिए जरूरत है, गांव से लेकर तालाब तक जाते हैं।